जनपद जालौन में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर 1.5 साल से घर में दफन एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस से सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने गड्ढा खुदवाकर शव को निकलवाया गया। जब शव को निकलवाया गया तो सिर्फ हड्डियां ही बरामद हो सकी, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला शहर कोतवाली के क्षेत्र के अजनरी रोड में स्थित रामनगर का है, जहां बताया गया कि यहां के रहने वाले प्रमोद अहिरवार के घर में उसकी 28 वर्षीय पत्नी विनीता का शव एक गड्ढे में दफन मिला, जो बीते 15 मई 2018 से गायब थी और उसके माता पिता उसे खोजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महिला का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इस मामले में मृतका के मामा सुरेंद्र पाल द्वारा राजपाल महेदो को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। बाद में मामले की जांच डीएम के पास आई थी, जिसके आदेश पर आज प्रमोद के घर पर खुदाई की गई, तब महिला का शव जमीन में दफन मिला। मृतका विनीता के मामा सुरेंद्र ने बताया कि मृतका का मायका सार शौकी था, जिसके माता पिता द्वारा 2011 में प्रमोद के साथ शादी कराई गई थी। इसी मामले में सिटी मजिस्ट्रेट हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि उन्हें जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था कि महिला का शव मकान में दफन है, उसी के आदेश पर वह शव को बाहर निकलवाने के लिए आए, जो कि एक वर्ष पुराना है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह आपराधिक घटना प्रतीत होती है, इस मामले की जाँच की जा रही है। ये थाना कोतवाली उरई की घटना है, जिसमें कि एक महिला है जिनका नाम विनीता है। वो 2018 से ही मिल नहीं रही थी अपने घर वालों को, और उनके जो मायके वाले हैं वो भी उन्हें खोज रहे थे तो उन्हें मिल नहीं रही थी। तो जो बेटा था, जो पति था उनका, वो भी घर से भागा हुआ था। तो वो ये कहता था कि हम दोनों अभी कहीं पर गए हैं, हम लोग कहीं गायब हैं। तो उनके ऊपर जब दबाव डाला गया उनके मायके वालों ने, जो मृतका हैं, जो जिनका शव निकला है खोदने के बाद, उनके मायके वालों ने जब दबाव डाला तो उनके बेटे से पूछताछ की गई। और जब उसके पति ने बताई पूरी बात कि मैंने 2018 में ही इनको मार के इनका शव जो है वो मैंने घर के अंदर गाड़ दिया था, उसके ऊपर सीमेंटेड भी इन्होंने करा दिया था। और ये खुलासा उसने स्वयं, जब हमारी टीम ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब उन्होंने किया। ये दिल्ली में रहते थे तो उनके मायके वालों ने प्रार्थना पत्र दिल्ली में भी दिए थे और हमारी कोतवाली में भी दिए थे। इसके बाद जब हमारी कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई तो उन्होंने इस घटना का खुलासा किया। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से इंक्वेस्ट की कार्रवाई की, जिसमें 174 CRPC में मजिस्ट्रेट दौराने जो शव था, जो उसको निकालने के दौरान वहाँ खड़े रहे, वहाँ वीडियोग्राफी भी की गई है, और 302-201 के अंतर्गत इसे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और बॉडी का पोस्टमार्टम और DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कराई। सर, कितने दिन से ये महिला गायब थी? ये महिला पिछले 1.5 साल के आसपास से गायब थी, और इनके मायके वाले हमेशा यही सवाल पूछते थे कि हमारी बेटी से हमारी बात करा दीजिए, कहाँ पे हमारी बेटी है। तो बेटा भी भागा हुआ था, इनका पहले झगड़ा भी हुआ था, परिवार परामर्श केंद्र में सुलह भी कराया गया था, उसके बाद ये घर ले गया और उसके बाद जैसा कि प्रतीत होता है कि झगड़े के बाद इसने इनको मार दिया और उसके बाद इनका बॉडी को दफना दिया। सर, आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, आरोपी को हमने कल ही बैठा लिया था, जब उसने स्वयं हमारे सामने इसको कबूला था। और उनके पिताजी इनको लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि ये स्वयं इस चीज़ को कबूल रहा है और उन्होंने इनको हमारे हवाले किया। सर, पुलिस को कब शक हुआ कि इस घटना पे कोई साजिश भी हो सकती है? ये जब भी इस तरह की घटना होती है जिसमें कि कोई महिला अपने घर से चली जाती है और घर वाले उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, ससुराल वाले, कि हम महिला कहाँ पे है, तब हम उसको प्रथम दृष्टया यही मान लेते हैं कि इसमें कुछ गलत हो सकता है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस महिला के बारे में पूरी जानकारी दें और वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, इसका स्पष्ट वो हमें बताएं। और ये अगर वो अज्ञात में कहते हैं तो हम तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इसमें हमारे आवश्यक विधानिक कार्रवाई करते हैं। जालौन से UP24 न्यूज के लिए मनोज सिवारी की रिपोर्ट।